हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना। भाई आज मेरे सामने यहां पे खड़ी हुई है बुलेरो न्यू। रिसेंटली ये गाड़ी यहां पे परचेज करी है और आपको बता दूं ये जो मॉडल है ये 2022 का मॉडल है N8। बुलेरो न्यू के पोर्टफोलियो में हमें टोटल चार वेरियंट देखने को मिलते हैं जिसमें N8 हमारा सेकेंड वेरियंट आता है। गाड़ी के अंदर भाई 1500 cc का MHOG इंजन हमें देखने को मिल रहा है जो कि 73.3 किलोवाट की पावर दे रहा है, साथ ही साथ 260 न्यूटन का टॉर्क दे रहा है। आज की वीडियो ना काफ़ी अच्छी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पे बुलेरो नियो के कस्टमर से मिलेंगे, तो देखेंगे भाई कस्टमर ने क्या सोच के ये गाड़ी ली है। बात ये होती है ना कि भाई गाड़ी देखो सारी अच्छी होती है, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ गाड़ी सारी अच्छी है, डिपेंड है आपका यूज़ क्या है। तो यही चीज़ समझेंगे कि भाई ये जो बुलेरो नियो के ओनर हैं मिस्टर रजत कौशिक जी, उनका यूज़ क्या है गाड़ी का, क्यों उन्होंने ये गाड़ी परचेज करी है, देखते हैं। तो भाई अब आ चुके हैं मिस्टर रजत कौशिक जी। सो हेलो सर, हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू सो मच पहले तो चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद। तो भाई रजत जी, आज हमारे सामने ना रजत सर हैं, पहले समझते हैं पहले रजत जी के बारे में, सर क्या करते हैं, सर आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं? मैं रियल एस्टेट में हूँ। ओके, टेक्निकल लीड करता हूँ। ओके, तो सर रियल इस्टेट में है और ये गाड़ी आपने कब ली है? ये मैंने लिया 28 नवंबर को। 28 नवंबर को? हाँ। अपना कितना चला दी गाड़ी? 6000 समथिंग चली। 6000 चला दी। तो ये कितने की गाड़ी पड़ी थी आपको? ये मुझे पड़ी है नेट टू नेट 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए की। चलो भाई, ये नवंबर में रजत जी ने गाड़ी ली है। तो सर आप इसके साथ साथ ये जो बुलेरो न्यू है इस पर भी आऊँगा मैं, बात करेंगे, आप और कौन सी गाड़ी देख रहे थे इसके साथ? के साथ एक्चुअल में हम लेने तो गए थे होंडा अमेज़। होंडा अमेज़, ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा फैमिली के हिसाब से मैंने देखी कि मेंबर्स के एक बार में सारे साथ चले जाएं। ओके, तो इसलिए फिर एक बार इसे भी देखने चले गए। बस एक बार देखने गए तो फिर समझ आ गई। बढ़िया। तो ये था कि मान के चलो 25 तारीख को देखने गए थे। हाँ। और 28 को गाड़ी मिल गई। बहुत बढ़िया। तो कुछ ऐसा भी था क्या कि वेटिंग पीरियड की मैं बात करूँ? वेटिंग थी, लेकिन एक्चुअल में क्या था, ब्लैक वहाँ खड़ी हुई थी लेने हम गए थे, ग्रीन वाला जो कलर आता है इसका, लेकिन ब्लैक खड़ी थी, बस तुरंत ही करा और 28 को मैं गाड़ी। बढ़िया यार, ये ब्लैक कलर ना देखो, लिटरली अभी देखो कितनी धूप हो रही है और कलर इतना डार्क है, सारी की सारी धूप को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब भाई कलर बहुत अल्टीमेट है गाड़ी का। तो रजत जी, इसके साथ आप मेरे को ये बताओ कि बुलेरो नियो जब आपने गाड़ी देखी, मतलब आपके परिवार में कितने जने थे? टोटल 7 जने होंगे। फैमिली में 6 मेंबर हैं मेरे। 6 मेंबर हैं, ठीक है। तो हिसाब से मुझे लगा कि मतलब एक पहले उसमें दूसरी गाड़ी में दिक्कत होती है, दूसरी गाड़ी लो, दो गाड़ी एक साथ जाएंगी, तो अब एक ही गाड़ी से काम चल जाता है। तो आप आर्टिगा भी देख सकते थे, आर्टिगा क्यों नहीं लेगी? CNG पे जाने का मन नहीं था, ऑलरेडी CNG गाड़ी चलाते हुए बहुत टाइम हो गया। और पेट्रोल पे आती थी? पेट्रोल आपको पता ही, रनिंग ज्यादा है। करेक्ट भाई, रनिंग ज्यादा है यार, देखना है भाई। ये भी देखो एक पॉइंट है कि पेट्रोल पे रनिंग ज्यादा है, CNG ठीक है भाई, लेकिन स्टिल चलो अगर CNG भी आप सोच रहे होते तो क्या आर्टिगा और इसके सामने रखते तो लेते क्या? नहीं, अर्टिगा नहीं ले पाता मैं, क्योंकि मेरा क्यों? काम इस तरह का, थोड़ा सा साइट्स वगैरह पे जाना पड़ता है, तो वहाँ के लिए मुझे मेन एक ये भी रीज़न था मेरे को इसको लेने के लिए। हाँ। क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड साइट होती है तो वहाँ पे गाड़ी थोड़ी इसी तरीके से। बढ़िया भाई, बढ़िया। देखो एक ये जो पॉइंट रखा है ना रजत जी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो काम है, इनका काम जनरली देखो रियल इस्टेट में ऐसा है कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर गाड़ी ले जानी है तो गाड़ी चाहिए भाई दमदार, ठीक, दमदार होनी चाहिए, साथ ही साथ बंदे भी ज़्यादा बैठ सकें गाड़ी में। बिल्कुल। तो बढ़िया यार। रजत जी ये बताओ कि बुलेरो भी एक आती है गाड़ी, क्लासिक बुलेरो। हाँ। और बुलेरो नहीं हो। हाँ। तो बुलेरो क्यों नहीं लिया आपने? थोड़ा कंफर्ट भी तो चाहिए यार, डेली रनिंग है, काफ़ी चलानी है गाड़ी, थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए। परफेक्ट है, तो बिल्कुल ही रॉ हो जाती है। बिल्कुल रॉ हो जाती है। हाँ। डन है, ये भी बात है। और एक चीज़ इसमें थोड़ा ये भी है कि बुलेरो मतलब एक थोड़ा एकदम देसी कार टाइप की लगती है, नाम थोड़ा सा है। हाँ, नाम थोड़ा सा है। नहीं, बढ़िया है सर। अब मेरे को आप ये बताएं रजत जी, इस गाड़ी के अंदर आपको क्या चीज़ अच्छी लगी पहले तो आप ये बताएं। आपने बताया देखो अभी तक जो आपने बोला, मेरे को 7 सीटर चाहिए थी, मेरे को दूसरा इस प्राइस में रनिंग ज़्यादा है तो डीजल चाहिए था, ऑफ कोर्स दो बातें हो गई, कुछ और पॉइंट बताओ जो गाड़ी में आपको अच्छा लगा। गाड़ी में एक तो इसका थोड़ा मुझे लग रहा है, मैंने पहले TUV चलाई थी, ज़्यादा फर्क है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसके पिकअप में इन्होंने काफ़ी अच्छा करा है, पिकअप पे काम किया। बिल्कुल, ये बात सही है। और चलने में भी थोड़ी साइलेंट हुई है पहले मुकाबले, पहले TUV में वाइब्रेशन ज़्यादा थी। तो आप TUV पहले रख चुके हैं? मेरे ऑफिस में TUV थी, मेरे पास ऑफिस की तरफ से थी, वो मैंने चलाई है। ओके, तो लेकिन सही है, काफ़ी बेटर, उससे बेहतर है, ग्राउंड क्लियरेंस वाइज तो है ही भाई, बिल्कुल दमदार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रजत जी जैसे TUV जो आपके ऑफिस में पहले थी वो सर्विस आप ही करवाते थे? नहीं, वो ऑफिस वाले कराते थे। ऑफिस वाले ही करवाते थे। तो आपको आइडिया है महिंद्रा की सर्विस के बारे में? 6000 क्योंकि आपने चलाई है तो इसलिए मैं तो वही पहली वाली सर्विस जो वही कराने गए थे, इंजन चेकअप वगैरह हुआ था उसमें, वो पता लगेगी। कैसा एक्सपीरियंस वैसे आपका रहा पहली सर्विस पर? मैं
नॉर्मल था, उसमें कुछ ऐसा था नहीं, भीड़ काफी ज्यादा थी वैसे। जी भीड़ ज्यादा थी उसी टाइम पे, दिवाली के टाइम पे काफी गाड़ियां सेल आउट हुई थी, तो ज्यादातर गाड़ियां फर्स्ट सर्विस वाली थी वहाँ। जी डन है भाई, तो ये है रजत जी का पॉइंट, एक बार देख भी लेते हैं सर की गाड़ी की है कैसी। तो फ्रंट में कुछ इस तरीके से हमें सेटन फिनिशिंग में कुछ ये पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ग्रिल में महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो हमें देखने को मिल रहा है, तो ये रहेगा। इसके साथ में यार देखो ये जो गाड़ी के टायर्स हैं 15 इंच के हमें यहाँ पे स्टील व्हील देखने को मिल रहे हैं, ब्लैक कलर के व्हील कवर के साथ में कुछ ऐसे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, पीछे यहाँ पे ड्रम ब्रेक हमें मिल रहा है, और इसका मैं बता दूँ दो एयरबैग ABS CVT हमें स्टैंडर्ड इस पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, तो ये रहेगा। लेकिन ना एक चीज़ और है रजत जी, मेरे को ये बताओ गाड़ी में आपकी हाइट जैसे तकरीबन मेरे हिसाब से 6 फीट होगी, 6.1 है, तो चढ़ने और उतरने में गाड़ी कैसा है आपके हिसाब से? नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वालों को बेशक दिक्कत होती है। राइट, छोटी हाइट वालों को बेशक दिक्कत होती है, मुझे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक सर एक मेरे को चीज़ और बताएं, इधर आइए, गाड़ी में आपको कभी फील हुआ ऐसा दरवाजा इसका खोलते हैं तो सर पे लगता है? है ना, एक्सीडेंट हो भी चुका है मेरे साथ, जैसे खोल रहे थे तो ये लगा था, तो इसका कोना लगा था, तो उसके बाद में थोड़ा सा फिर संभल के दूर होके खोलना पड़ता। राइट यार, ये देखो ये जो बुलेरो नियो जो चलाते हैं ना, ये देखो ये इसका पार्ट है, हल्का सा ना ये टेढ़ा है, आप ये देखिए, अब ये खुलेगा ना दरवाजा तो ये सीधा चांसेस है ये यहाँ पे इसका कोना सर पे लग सकता है ना। ये है कुछ गाड़ी यहाँ पे, जैसा आदमी का यूज होता है उसने अपने हिसाब से गाड़ी ली। आपने देखा रजत सर की प्रोफाइल, आपने समझी कि रियल इस्टेट में है प्लस कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी चाहिए, अच्छा टफ रिजिड होनी चाहिए, और दूसरा जैसे सर हैं वैसा भाई फैमिली मेंबर्स भी होंगे बिल्कुल हट्टे कट्टे। अगर फुल साइज आपको गाड़ी चाहिए 7 सीटर तो ये सबसे बेस्ट है, क्यों रजत जी? बिल्कुल। एक बार सर गाड़ी की चाबी भी दिखाएं, तो ये आ रही है N8 के अंदर चाबी कुछ इस तरीके से, ट्विन पीक के लोगों के साथ में फ्लिप की हमें ऐसे देखने को मिल रही है, लॉक अनलॉक प्लस ये यहाँ सेंसर्स हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं, तो ये पार्ट कुछ ऐसा रहेगा गाड़ी में। एक बार ड्राइवर सीट पे भी चलते हैं, उसके बाद बैठेंगे रजत जी के साथ में, गाड़ी चलवाएंगे, देखेंगे कैसा कहते हैं सर। तो ये है कुछ गाड़ी भाई है, और ये पार्ट यहाँ पे सीट्स कुछ इस तरीके से हैं, और ये यहाँ पे हमें 5-speed ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है, ये सिस्टम आ गया प्लस 4-speed का, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लोअर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो ये पार्ट अंदर से रहेगा। काफ़ी अच्छा स्पेशियस गाड़ी है, ये तो बात बोलनी पड़ेगी भाई। यहाँ पे पीछे भी देख लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, फ्रंट फेसिंग सीट हमें यहाँ पे ऐसे मिल रही है, और पीछे अगर मैं बात करूँ तो ये है भाई, यहाँ पे बुलेरो का हमें बेस देखने को मिल रहा है प्लस ट्विन पीक लोगो बुलेरो नियो इस तरीके से। ये है भाई बूट, आप देख रहे हो कितना सारा है, अच्छा खासा यहाँ पे बूट है, आप अपना सामान रख सकते हैं, अगर आपको कभी फैमिली बंदे बिठाने हैं तो ये सीट खोल लो, कुछ इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो सही है बढ़िया, अपना टफ रिजिड बिल्कुल मैचो गाड़ी है ये। तो ये कुछ है गाड़ी, इसके साथ में एक बार चलते हैं, बैठेंगे गाड़ी में, चलें एक बार सर, एक बार गाड़ी भी चला के देखें, तो आओ सर बैठते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई, ये जो गाड़ी है ना बुलेरो नियो, अगर मैं बात करूँ 13 लाख के अंदर अंदर ना, इस प्राइस में आपको कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली जो बॉडी ऑन फ्रेम पे आ रही है, रियल व्हील ड्राइव पे आपको मिल रही है, कोई नहीं है। आप सिर्फ आपको महिंद्रा देगा वो ऑप्शन, तो क्लासिक यहाँ पे क्लासिक बुलेरो है और बुलेरो नियो, दो यहाँ पे गाड़ियाँ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं पर्सनली अपनी बात अगर मैं बोलूँ ना, बुलेरो नियो बेटर ऑप्शन होगा, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ना एक अच्छा वेल एजुकेटेड पढ़े लिखों वाली गाड़ी लगती है। क्लासिक बुलेरो नो डाउट बहुत अल्टीमेट है, लेकिन यार उसका अगर आप देखोगे Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में आपको वो ज़्यादा दिखेगी, लेकिन NCR में कुछ इस तरीके से भाई बुलेरो नियो ही आपको मैक्सिमम में दिखेंगी। सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं फिर आगे चलते हैं। अब मैं सेल्फ मारता हूँ, देख रहे हैं, मतलब वो लाउडनेस है ना डीजल में, यही अच्छी बात है, वो जो लाउड इंजन होता है ना अल्टीमेट। ये यार माइलेज आ रहा है 18.4, कितना निकाल रही है रजत जी? निकाल रही है इतना, निकाल रही है इतना। हाँ। बहुत बढ़िया यार, मतलब 50 लीटर का टैंक है और तकरीबन 18.4 की माइलेज है, सही है। आप मेजरली सर इसे सिटी में ही चलाते हैं? सिटी में चलाते हैं। हाईवे पे? हाईवे पे चंडीगढ़ गया हूँ। तो कितने तक की आपको माइलेज मिली है? चंडीगढ़ में से निकाल दी थी 19.5 की। 19.5 की। हाँ। अरे बहुत बढ़िया यार, क्या चाहिए यार भाई, सही है। तो पहला गियर लगाया जाए, ये कुछ इसका फिलहाल के लिए है, आप यहाँ पे देख सकते हो लीवर हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है, बट यार ठीक है भाई, टाटा महिंद्रा के साथ में ऐसा है, जिस प्राइस पे गाड़ी मिल रही है आप ये भी तो देखो, थोड़ा सा है इसमें
लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है ये, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी का स्पेस है। आप देखो केबिन देखो कितना बड़ा है, रजत जी जैसे बैठे हैं ना। हेडरूम देखो, मेरी भी हाइट 5 फीट 11 इंचेस है कुछ इस तरीके से। अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है। पीछे भी देखो कुछ ये पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। गाड़ी को चलाते हैं, ड्राइव करते हैं। तो यस, वो डीजल वाला जो आवाज़ आती है ना, वो तो खैर है इसमें। BS6 का इंजन है गाड़ी के अंदर। लो भाई पिकअप, ये देखो भाई, चलने में यार अल्टीमेट। और एक अच्छी बात है, जो इसकी पोजीशन है ना सीट की, मेरे को यहाँ पे H2S दिख रहा है, तो बोनट पूरा क्लियर दिख रहा है। अच्छा रोड प्रेजेंस है, कमांडिंग व्यू दिख रहा है। अगर आप ट्रैफिक लाइट पे कहीं खड़े हो गए ना ये गाड़ी के साथ में, तो एक थोड़ा ऐसा रहेगा कि हेड टर्निंग लुक भी रहेगा, साथ ही साथ आपकी गाड़ी ही वहाँ पे ऊंची होने वाली है। तो है SUV भाई, बजटेड SUV है, जिस प्राइस में है अल्टीमेट यार। ये है कुछ चलाने में। केबिन के अंदर देखो, नॉइस की अगर मैं बात करूँ बहुत कम देखो, और ये नॉइस नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे साउंड है, लेकिन वाइब्रेशन कुछ ऐसा खास वाइब्रेशन नहीं है, हल्का सा गियर लीवर पे है, तो ठीक है, ये मैनेजेबल है। तो रजत सर, आप ये गाड़ी किसी को आगे रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, अगर किसी को जरूरत है इस तरह के काम के लिए, कि भाई फैमिली में मेंबर ज्यादा हैं और थोड़ा बजट का रिस्ट्रेन है, कि भाई 11-12 लाख 13 लाख तक लेनी है जी, तो इसकी तरफ जा सकते हैं। जा सकते हैं, बढ़िया है। और बाकी सर्विस के लिए, सर्विस का पता लगेगा जब अभी तो ठीक है। चलो, जैसे कि 6000 ही चलिए तो पता लगेगा उसको, डन है। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, जो सर्विस वाली बात मैं आपसे दूसरी बार पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये बातें आपने भी सुनी होंगी कि वही टाटा महिंद्रा का सर्विस का थोड़ा सा दिक्कत रहता है कुछ। नहीं, लगता है दिक्कत तो खैर मुझे लगा थोड़ी बहुत तो दिक्कत है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी अब गाड़ियां सेल आउट हो रही हैं, उस हिसाब से या तो उन्होंने सर्विस को मेंटेन नहीं कर रहे, वहां पे स्टाफ उतना नहीं रख रहे। राइट, क्योंकि मेरी पहली सर्विस थी उसमें मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे। ओके, जबकि उसमें कुछ ऐसा खास होना नहीं था। राइट, आप कौन से डीलर पे गए थे? मैं गाजियाबाद में शिवा महिंद्रा, शिवा महिंद्रा में गए थे आप। ओके, तो यार देखो, ये जो रजत सर ने बात बोली है ना, यस ये बात है यहाँ पे, क्योंकि महिंद्रा का जिस हिसाब से नंबर्स आ रहे हैं ना, उस हिसाब से अभी आफ्टर सेल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा मेरे चैनल पे अरुण पवार की भी एक मैंने वीडियो इस पे ओनरशिप रिव्यू बनाया था उसका, स्कॉर्पियो एन का। तो यहाँ पे अरुण ने भी ना यही वाली बात मेंशन करी थी, यार देखो गाड़ियाँ नो डाउट महिंद्रा की बहुत अच्छी हैं, बट दिक्कत है हमें आफ्टर सेल्स पे काम करने की ना, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। और कई डीलर मतलब ऐसे हैं जो वाकई में बहुत अच्छे हैं, बट ये डिपेंड है, ऐसे बहुत कम डीलर हैं जो बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं। तो यस, आफ्टर सेल्स पे काम करने की महिंद्रा को ज़रूरत है, बट आपके यूज़ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ इनिशियली, ये गाड़ी बेस्ट है, इस पे आना। प्लस गाड़ी में यार कुछ ऐसा वियर एंड टियर कुछ इतना खास नहीं है, बाकी लेडर ऑन फ्रेम जो चेसिस होती है ना, इसमें थोड़ा आफ्टर मतलब अगर मैं बात करूँ 60,000-70,000 किलोमीटर के बाद ना, थोड़ा सा यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ जाती है गाड़ी की, क्योंकि लेडर ऑन फ्रेम की चेसिस होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम में। लेकिन देखते हैं कैसा रहता है सर का एक्सपीरियंस, बाकी सर के टच में रहेंगे, सेकंड सर्विस जब थर्ड सर्विस करवाएंगे तब देखेंगे आगे क्या सर्विस का ओपिनियन है। अभी तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोग बताएं आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दिस व्हीकल, ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ संचित सक्सेना।